गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम, प्रेप क्लास टीचर। ओपन योर मैथ्स बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 पे आज का हमारा टॉपिक है मोर और लेस का। आज हमने रीड करना है अबाउट मोर एंड लेस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोर क्या है और लेस क्या है, फिर हम इसको रीड करेंगे ना। तो मोर कहते हैं ज़्यादा को और लेस कहते हैं कम को। मोर ज़्यादा और लेस कम। अब आप देखें, जो एक चीज़ बड़ी है, ठीक है, जो बड़ी है उसमें ज़्यादा आएगा और जो चीज़ छोटी है उसमें कम आएगा, ठीक है। अगर आप एक वाटर बॉटल लेते हैं बड़ी, तो वाटर बॉटल में पानी ज़्यादा आएगा, और एक ग्लास है अगर, तो उस ग्लास में पानी कम आएगा, ऐसे ही है ना। तो इसमें हमने यही चीज़ देखनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ग्लास होल्ड्स डैश देन द कप, ठीक है। उन्होंने कहा है जो ग्लास है वो होल्ड करता है मोर या लेस देन कप। ग्लास में जो पानी है, हम ग्लास में वाटर डाल लें, मिल्क डाल लें, कोई जूस डाल लें, वो कप से ज़्यादा होगा या कम होगा, मोर होगा या लेस होगा। तो देखिए ना, ग्लास बड़ा है और कप छोटा है, तो ग्लास में पानी ज़्यादा आएगा, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, मोर। मोर आपने इसको देखना है, देन मतलब इससे, ग्लास होल्ड्स मोर देन द कप, ग्लास कप से ज़्यादा होल्ड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पून होल्ड्स डैश देन द कप। अब स्पून छोटा है, स्पून में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी या कप में ज़्यादा आएगी, कप में ज़्यादा आएगी ना, स्पून में क्या आएगी, कम आएगी। स्पून होल्ड्स लेस, लेस मतलब इसमें कम आएगी देन द कप। नेक्स्ट है बॉटल होल्ड्स डैश देन द ग्लास। अब ये देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल मैं आपको पहले दे रही थी स्टार्ट में, अब बॉटल है, इसमें बॉटल बड़ी होती है, इसमें ज़्यादा पानी आएगा और ग्लास में कम आएगा, तो बॉटल होल्ड्स मोर देन द ग्लास, बॉटल में ज़्यादा आएगा और ग्लास में कम आएगा। कप होल्ड्स डैश देन द ग्लास, अब देखें कप पहले इधर था, अब कप इधर आ गया, ठीक है, पहले ग्लास में ज़्यादा आ रहा था, इधर भी ग्लास में ही ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने मोर लिखा था तो यहाँ पे लेस आएगा, क्यों, क्योंकि कप होल्ड्स डैश देन द ग्लास, कप में ग्लास से कम आती है चीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस। आपने फर्स्ट वाली चीज़ को देखना है। नेक्स्ट है ग्लास होल्ड्स डैश देन द बाउल, ये एक्वेरियम बाउल है, ठीक है, इसमें हम फिशेस वगैरह रखती है ना, ये वो है। तो ये देखिए, ये तो बड़ा होता है ना, ये बिग होता है, इतना इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ग्लास में तो कम पानी आता है, अगर हम 2 या 3 ग्लास फिल करें तो फिर ये फिल होता है ना, तो ग्लास होल्ड लेस देन दिस। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपने घर में चीज़ों की, कि आपके आपने एक कप ले लेना है और एक ग्लास ले लेना है, और आपने देखना है कि ग्लास में ज़्यादा पानी आता है या कप में ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। फिर आपने स्पून वाले की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ऐसे आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, घर में एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क।